हेलो गाइस, वेलकम टू माय टुडे वीडियो। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वांट टू से कि गाइस, आप मुझे 1K करने में मदद कर दीजिए, बिकॉज आई एम ऑन द रोड टू 1K, और जल्दी से जल्दी मेरे 1K भी करवा दीजिए। और अगर आपने कोई भी क्वेश्चन पूछना है, मैं Q&A की वीडियो डालूंगा जब मेरे 1K सब्स हो जाएंगे, तो आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, सो टुडे वीडियो टॉपिक इज कि जो कि हमारा चैप्टर नंबर 3 है, उसके क्वेश्चन आंसर, सॉरी जूम फोकस नहीं हो रहा है। ओके, सो उसके क्वेश्चन आंसर्स कम्युनिकेट इन इंग्लिश बुक 5 के चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर्स हैं ये। ओके, सो मैं करने वाला हूँ आज फर्स्ट और सेकंड, थर्ड और फोर्थ अलग वीडियो में कर दूंगा। मैंने फर्स्ट चैप्टर के पहले किए हुए हैं, चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर्स नहीं है। So let's start our today video. Our first question is, in African culture, who were considered to be brothers and sisters? African cultures में कौन consider होते थे कि वो brothers और sister हैं? The answer of this question is, in African culture, there are no cousins. The children of uncles and aunts are considered as brothers and sisters. Our next question is, how did Lanson spend his time as a child? What games did he play? So, answer of this question is, as a child, he spent the most of his time in the grassland. He also played stick fight. He also played with his own made toys, such as ox drawn sledges.